हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं तो आप देख रहे हैं मिस इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो इससे पहले के वीडियो पार्ट वन में हमने आप लोगों को बताया था कि आपको अंडरग्राउंड वायरिंग में आपको वायर कैसे डालना है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, उसका लिंक हम यहाँ पर आई बटन में दे रहे हैं, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो पार्ट टू में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कि आपको स्विच बोर्ड कैसे फिटिंग करना है। ये हमारा दूसरा रूम है, इसमें भी हमको वायरिंग करना है। इसमें आपको वायर कैसे डालना है, पावर बोर्ड कनेक्शन कैसे करना है, लाइटें कैसे फिटिंग करना है, ए टू जेड सारी जानकारी आपको देने वाले हैं कि आपको हाउस वायरिंग कैसे करना है। अगर आज के इस वीडियो को आप लोग पूरी कंप्लीट देख लेते हैं तो जो लोग इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो ये रूम हमारा टू है जिसमें आज हम अंडरग्राउंड वायरिंग में वायर डालने वाले हैं। इससे पहले के रूम में हमने आप लोग को ए टू जेड सारी जानकारी दी थी कि आपको रूम में वायर कैसे डालना है, ठीक है। बट ये हमारा एक दूसरा रूम है जो कि ये वीडियो का हमारा पार्ट टू है। अब इसमें आपको सिखाएंगे कि आपको वायर इसमें कैसे कैसे पॉइंट कनेक्शन करना है, कैसे कैसे वायर आपको डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किनारे से शुरू करेंगे। नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है तो उसके लिए हम इस डिब्बी में स्टील वायर को डाल लिए हैं और यहाँ पर लाइन न्यूट्रल इन्वर्टर का वायर हमने डाल लिया है। अब उसको हम स्टील वायर के माध्यम से खींचेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक किनारे बोर्ड लगा हुआ 6 मॉडल के। उसके लिए हम यहाँ पर इस वायर को लेकर जाएंगे अपने मेन बोर्ड तक के, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें 1.5 mm के वायर को यूज किया है, इन्वर्टर के लिए 1 mm के वायर को यूज किया है और बाकी हमारे 1.5 mm के वायर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से ले जाएंगे कंसील बॉक्स में, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट और डालेंगे क्योंकि इस दीवार पे हमारी एक ट्यूबलाइट लगेगी, तो हम लोग एक वायर एक्स्ट्रा डालेंगे। चाहे तो दो वायर डाल सकते हैं बट न्यूट्रल हमारा एक ही से चला जाएगा, बाकी हमको लाइन अपने स्विच बोर्ड तक की लेकर जाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने वहाँ पर वायर डिब्बे में निकाल लिया स्टील वायर डाल के। अब हम क्या करेंगे, दूसरी डिब्बे में यहाँ पर वायर को डालेंगे, बट यहाँ पर भी हम एक वायर एक्स्ट्रा यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि हमको कंसील्ड बॉक्स का भी यहाँ पर कनेक्शन करना है, कंसील लाइट का भी कनेक्शन करना है। तो हमने यहाँ पर एक वायर एक्स्ट्रा और ले लिया, ठीक है। हमारे लाइन न्यूट्रल इन्वर्टर और दो पॉइंट हो गए, ठीक है। एक हमारा ट्यूब लाइट का और एक हमारा हो जाएगा कंसील लाइट का। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वायर में हम कंसील लाइट को लगाएंगे उस वायर में हमको निशानी डालना होगा ताकि हमको बाद में पता चल सके कि हम इस वायर में अपने चारों कंसील लाइट को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम एक वायर में गीठा मार देते हैं, जो हमारा पॉइंट वाला वायर है उसमें हमने गीठा मार दिया ताकि हमको ये पता चल सके कि हमको इसी वायर में हमको कंसील लाइट को फिटिंग करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंसील लाइट से तीसरी कंसील लाइट में अपने स्टील वायर को डालेंगे और देखते हैं ये वायर कहाँ निकलता है। तो ये वायर सीधा हम वहाँ से डाल रहे हैं और हमारे छत के इस पार निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वायर निकल चुका है। अब यहाँ पर सीढ़ी लगाकर एक बंदा हमारा वायर खींचेगा और एक बंदा जो है वायर को उधर से डालेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हम इधर से वायर को डालेंगे और उधर से हम वायर को खींचेंगे, ठीक है। और हम चारों कंसील लाइट एक स्विच से करेंगे, तो हमने इसीलिए वहाँ पर गीठा मार दिया। अब हम यहाँ पर जो वायर निकालेंगे, जो कंसील लाइट वाला वायर होगा उसमें हम यहाँ पर भी गीठा मार देंगे। अगर आप लोग वायर को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि एक कलर के वायर हो जाते हैं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाती है, तो जैसे कोई वायर है उसमें आप लोग ब्लैक टेप चिपका लीजिए या फिर किसी दूसरे कलर का वायर ले लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारे पास पीले वायर ज़्यादा थे तो हमने क्या किया, जिस वायर में कंसील लाइट लगना था उसमें हमने यहाँ पर गीठा मार दिया है और ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हमको कंसील लाइट लगाना है, ठीक है। हमको चारों कंसील लाइट एक स्विच से करना है, बाकी ट्यूबलाइट एक स्विच से करना है, एक बल्ब एक स्विच से करना है और दो फैन अलग अलग स्विच से करना है। तो यहाँ पर भी हमने गीठा अच्छे से मार दिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने फैन बॉक्स के वायर को लेकर चलेंगे स्विच बोर्ड तक की। तो यहाँ पर हमारा एक फ़ैन बॉक्स लगा हुआ है, एक इधर फैन बॉक्स लगा हुआ है, तो हमने उधर से स्टील वायर को डाल दिया और आप लोग देख सकते इधर हमारा फ़ैन बॉक्स में स्टील वायर निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, दो वायर डालेंगे, एक लाइन और एक न्यूट्रल का, और फ़ैन बॉक्स से इस साइड हम वायर को खींच लेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से वायर को दीवार में डाला जाता है, पाइप के अंदर डाला जाता है। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से वायर हमारा इस पर आ चुका है, ठीक है। अब हमको इस फैन का भी वायर लेकर जाना, तो हम एक जो है येलो वायर और ले लेंगे, मतलब एक पॉइंट और ले लेंगे। न्यूट्रल तो हमको उसी से मिल जाएगा, हमको पॉइंट देना है, तो हमने एक जो है येलो वाले वायर को और ले लिया, उसी में जोड़ के हम इसको डायरेक्ट स्विच बोर्ड में उतारेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक ऐसे इलेक्ट्रीशियन, एक चूतिया इलेक्ट्रीशियन ने यहाँ पर पाइपिंग की है, इलेक्ट्रीशियन उसको नहीं कह सकते हैं, समझो अपने घर का ही लड़का है या कोई भी है, उसने अपने हाथ से छत में पाइप डाल दिया है और उसने ऐसे ऐसे जगह बैंड गिराए हैं, क्या बताएं भाई। और बैंड तो बहुत कम ही गिरा हुआ है,
और तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, और फैन में कोई भी बैंड कंसील लाइट का नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर एक दिक्कत है। अब इस वायर को स्विच बोर्ड तक की कैसे ले जाना, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे पास एक जुगाड़ है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच बोर्ड तक की अपने वायर को नाप कर यहाँ पर नाप लेंगे, उसके बाद वायर को कट कर देंगे, ठीक है। तो स्विच बोर्ड तक की वायर नापने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे आपको दीवार पर वायर रखना है और ऐसे ऐसे नापते हुए चले जाना जहाँ से आपका वायर आएगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं नीचे से ये आपको नाप लेना है, और जितना आप नापेंगे उससे आपको 1-2 मीटर एक्स्ट्रा ही वायर को कट करना है, ताकि वायर हमारा छोटा ना पड़े, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा वायर ले लिया है, ऐसे ही आपको सभी वायर को नापना है, कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक जुगाड़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी बैंड नहीं पड़ा हुआ है, और हमको स्विच बोर्ड में वायर कैसे उतारना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। और यहाँ पर जो झिझी कटिंग किया है वो भी इलेक्ट्रीशियन शायद पता नहीं कैसा था, जिन्होंने कहीं से कुछ वायर निकालने का रास्ता का जुगाड़ भी नहीं किया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एक फ़ैन यहाँ पर जो लगना था उसका हमने वायर में न्यूट्रल वाला न्यूट्रल में जोड़ दिया, बाकी लाइन वाला लाइन में कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपने सीट को हम बांध देंगे, ठीक है। ऐसे सीट को मैं आपको दोनों वायर को निकालना है और ऐसे सीट में यहाँ पर गीठा बांध देना है, ठीक है। हमारी सीट भी ऊपर लग जाएगी और हमारे यहाँ पर आपको पेज भी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं वायर को अंदर डालने के बाद पेज से टाइट करते हैं, वो तरीका भी अच्छा होता है, बट ये तरीका भी सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग केसिंग फंटी लगा देंगे, जो हमारी केसिंग कपिंग वायरिंग होती है। अब जहाँ से हमको बैंड नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केसिंग फंटी को लगाएंगे, और इसके बगल में आप लोग देखते हैं यहाँ पर एक दीवार फूटी हुई आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोगों ने डिब्बी बहुत ढूंढना कि शायद कहीं पर डिब्बी हो, कोई जुगाड़ हो वायर निकालने का, तो हम लोग उसके माध्यम से वायर निकालने, बट कहीं पर भी नहीं मिला। एकदम न्यू घर बना हुआ था, तो हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ पर फोड़ा भी नहीं कि यहाँ पर दिक्कत हो जाए। तो हम लोगों ने सोचा इतनी यहाँ पर केसिंग फंटी यहाँ पर लगा कर वायर को अंदर ले जाएंगे, और छत में हम फ्लेक्सिबल पाइप लगा देंगे। तो आप लोग देखते हैं हमने यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर लिया है, अब सारे वायर हमारे यहाँ पर स्विच बोर्ड तक की आ जाएंगे, ठीक है। यही मैटर इस साइड भी फंस रहा था, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर पंखे वाले वायर है इसका भी कहीं पर बैंड नहीं दिया, तो हमको ऊपर भी यहाँ पर थोड़ी सी फंटी लगाकर स्विच बोर्ड तक की वायर को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इधर लगा हुआ है तो इधर हमने सारे वायर को डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने एक वायर एक्स्ट्रा भी डाला था, क्योंकि यहाँ पर होल्डर लगना था, तो हम इधर यहाँ पर फटाफट से होल्डर यहाँ पर लगा लेते हैं, और उधर हम एक केसिंग फंटी और लगा कर फैन के वायर को स्विच बोर्ड तक की लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से अपनी केसिंग फंटी को बिल्कुल आसानी से लगा देंगे, और इधर हमारे भाई साहब यहाँ पर होल्डर लगा रहे हैं। जिन लोगों को होल्डर लगाने के बारे में नहीं पता है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई कि आपको होल्डर कैसे लगाना है, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और होल्डर लगाना सीख सकते हैं, ठीक है। और बाकी कंसील लाइट कैसे लगाना, ट्यूबलाइट कैसे लगाना, इस पर भी हमने सारी वीडियो बना दी, आप लोग जाकर देख सकते हैं, और कंसील लाइट ट्यूबलाइट बिल्कुल आसानी से फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखाएंगे, मेन काम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप ले लिए हैं, फ्लेक्सिबल पाइप के माध्यम से अपने वायर को हम अंदर करेंगे, ठीक है। और इसी डिब्बी से हम जो लाइन न्यूट्रल जो इन्वर्टर के वायर जो हमारे बाहर से आएंगे, जो हमारे दूसरे रूम से आएंगे, उसको भी हमने ले लिया, क्योंकि हमको 12 मॉडल के बोर्ड को लाइन न्यूट्रल इन्वर्टर का भी तो कनेक्शन देना होगा। तो हमने वो वाले वायर भी ले लिया और फैन के वायर ले लिया, ठीक है। इन सभी वायर को हम फ्लेक्सिबल पाइप में डालने के बाद अपने केसिंग फंटी के माध्यम से स्विच बोर्ड तक की लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको लाइन चालू करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम फटाफट से इसको कर लेते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में समझाई जाएंगी, बस आपको इस वीडियो कंप्लीट देखना है। और आप लोग वीडियो देख सकते हैं कैसे काम हो रहा, ऐसे आपको काम करना, एक्सपीरियंस लेना है, और आप लोग बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं और अच्छे से काम कर पैसे कमा सकते हैं, आपको नौकरी करने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ फ्लेक्सिबल पाइप को डाल दिया है। अब हम यहाँ पर एक हमको नीचे यहाँ पर केसिंग पट्टी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर फटाफट से लगा लेते हैं। केसिंग पट्टी कैसे लगाई जाती है इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, और आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर कैसे केसिंग पट्टी लगा रहे हैं, ऐसे भी आप लोग बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो यहाँ पर हमारी केसिंग पट्टी लग चुकी है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वायर को अंडर यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद ढक्कन को बंद करते हुए अपनी केसिंग पट्टी के माध्यम से वायर को हम ले आएंगे स्विच बोर्ड तक की, ठीक है। केसिंग पट्टी वाली अगर जिसको वायरिंग करवाना है तो इस पर भी हमने फुल वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसी टाइम क्या करेंगे, अपने कंसील लाइट को भी फिटिंग कर देंगे, क्योंकि बार बार सीढ़ी लगाने में चढ़ने उतरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप लोग को भी ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप काम करें वहाँ का सारा काम फाइनल करके
उसके बाद ही दूसरी साइड काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमने सोचा कंसील लाइट भी आराम से फिटिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर नीचे का ही सारा काम करते हैं। कंसील लाइट फिटिंग करेंगे, उसके बाद अच्छे से टेपिंग कर देंगे। जहां पर आप लोग ज्वाइन करें वहां पर आपको ध्यान रखना है, अच्छे से आपको टेपिंग कर देना ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। तो यहाँ पर हमारी कंसील लाइट फिटिंग हो चुकी है। अब हम सारे अपने वायर को डाल देंगे स्विच बोर्ड में, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे वायर आ चुके हैं। अभी इन वायर को हम आपको बाद में समझाएंगे कि आपको कौन सा वायर कहाँ का है, इसमें आपको स्विच प्लेट कैसे लगाना है, इसको फिटिंग कैसे करना है, लाइन चालू कैसे करना, आपको ए टू जेड हम नेक्स्ट पार्ट में समझाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अगर हम इस वीडियो में समझाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होने लगेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको जल्दी ही इसका पार्ट लाने वाले हैं। बाकी हम प्रॉपर एक इसकी वीडियो फुल बनाएंगे, जिसमें 2-3 घंटे की वीडियो होगी, आप लोग वो वीडियो देखकर भी सीख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट से स्विच बोर्ड के अंदर अपने वायर को सारे को डाल देते हैं, बस हमारा यहाँ पर वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे भी 2 कमरे बने हैं, उसमें भी हमको वायरिंग करना है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम उस पर भी वीडियो लाएंगे। और अगर किसी को कोई भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसको डायग्राम बना के अच्छे से समझा देंगे, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। हमारे सारे स्विच बोर्ड में यहाँ पर वायर आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने हमको ट्यूबलाइट कंसील लाइट लगाना है, होल्डर लगाना है, हम सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। और हम स्विच बोर्ड जो होगा, स्विच बोर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में बांधेंगे, जो हमारा पार्ट 2 यहाँ पर 3 आ गया, उसमें हम स्विच बोर्ड बांधना सिखाएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलती रहेंगी। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।